हेलो गाइस, ये है मेरा दूसरा व्लॉग और आज हम जा रहे हैं भानगढ़। ये है मेरे मामा का लड़का और ये है मेरी बुआ का लड़का और हम यहाँ पे आगे पहुँच चुके हैं बाजार में। हम एंट्री कर चुके हैं अंदर और आपको जहाँ पे भी जाओगे आगे तो आपको धीरे धीरे आगे मैं दिखाता हूँ क्या क्या है आगे। ये है बाजार। पहले के टाइम पे यहाँ पे रानियाँ सामान लेने आती होंगी लेकिन अब तो यहाँ कुछ भी नहीं आता भैया, भूतनियाँ घूमती हैं यहाँ पे। और भाई साहब, यहाँ के पत्थरों पे लिखा है यहाँ का सारा इतिहास। आगे देखो, ये देखो यहाँ पे बरगद का पेड़ है, ये मेन गेट है, यहाँ पे लगती है टिकट। हमने नहीं दी कोई टिकट, हमें यहाँ के लोकल। ये अंदर देखो, यहाँ पे आ गए हम। ये पहली जगह पड़ती है जब आप भानगढ़ में घुसते हैं। पहली जगह हम यहाँ रुके, हमने यहाँ पे वीडियोज़ वगैरह बनाई और उसके बाद हमने फ़ोटोज़ वगैरह खींची है। बिल्कुल बढ़िया तराशी वगैरह कर रखी है पत्थर में, लगा नहीं था कि पहले भी इतने आर्टिफैक्ट। ये देखो, और हम यहाँ पे फ़ोटोज़ वोटोज़ खींच रहे थे, मस्ती वस्ती कर रहे थे। दिन में तो यहाँ पे एकदम बढ़िया है लेकिन रात के टाइम तो भाई साहब यहाँ पे हालत ही टाइट हो जाती होगी। ये मेरा भाई है, फुल मौज ले रहे हैं। हम चले आगे और ये आ गया वॉच टावर। यहाँ से सब जगह वॉच करते थे लोग, यहाँ से वॉच किया जाता था कि भाई कोई गलत आदमी तो नहीं आ रहा, जैसे कि इस भाई जैसा। यहाँ से जैसे ही हम धीरे धीरे आगे गए तो हमने को एहसास हुआ कि हाँ वाकई में यार यहाँ पे काफ़ी कुछ देखने लायक है। ऐसे ही वर्ल्ड की हॉन्टेड प्लेस नहीं है। व्यू देखो आप, व्यू देखो, पूरी जगह हरियाली बस हो रखी है। अंकल मिल गए हमें फिर से, हमने यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ खींची, फिर हम आ गए अंदर। और अंदर से भी व्यू, बार बार मैं बस यही बात कहूँगा कि जो यहाँ का व्यू है वो बहुत तगड़ा है। मुझे मोस्ट हॉन्टेड प्लेस तो नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल प्लेस ज़रूर लग रही है। फिर हम यहाँ से गए ऊपर, हमने खींची यहाँ पे भी कुछ फ़ोटोज़। और ये हमारा भाई है फौजी भाई, इसको यहाँ पे आने की सबसे ज़्यादा खुशी है। ये हो चुका है बावला। और ये भाई हमारा दूसरा बैठा है साइड में, अभी इसका मुखड़ा भी दिखाता हूँ ये क्या कर रहा है। ये देखो, ये भी भाई 36 चांद चमका रहा है बिल्कुल। कसम से भाई, जब पहली बार देखा था ना तो स्वर्ग का दरवाज़ा ही लगा था ये मुझे। फिर हम यहाँ पे बैठे, हमने यहाँ पे खींची फिर से कुछ फ़ोटोज़ और अंदर का नज़ारा मैं आपको दिखाता हूँ। पहले ये बहुत सुंदर रहा होगा लेकिन अब इसकी कुछ इस तरीके से हालत है और दिन ब दिन इसकी हालत बस ख़राब होती ही जा रही है। और मैं क्या बताऊँ कि इस भाई को यहाँ भी चैन नहीं है। मैं कुछ ज्ञान बांट रहा हूँ पर इसको तो डंड पेलनी है यहाँ भी। फिर हम आ गए, हमने यहाँ पे कुछ कूदा फांदी करी। और ये देखो, ये जो ऊपर आपको पहाड़ दिख रहा है, इस पे तांत्रिक रहता था। जो आपने कहानी सुनी होगी, जो तांत्रिक होता था वो इस पहाड़ की चोटी पर रहता था। और भाई हमने यहाँ पे बहुत सारी मस्ती की, हम यहाँ पे कूदा फांदी बस करे जा रहे थे और हमने कुछ वीडियोस बनाई। और हमने ये बनाई एक स्लो मोशन वीडियो, तो ये वीडियो भाई बड़ी मस्त बनी थी। मैं क्या बताऊँ, इस वीडियो में बड़ा मज़ा आया मेरे को बना के। बस हम भाग रहे थे और यहाँ से गिरते ना तो भाई सीधा मुँह ही टूट जाता कसम से। और ये हमारी पहली फ़ोटो है जिसमें हम तीनों साथ में थे, वरना बार बार कैमरा चेंज करना पड़ रहा था। फिर इसके बाद हमने सोचा कि अब यहाँ से चलते हैं, काफ़ी देर हो चुकी है, तो फिर हमने यहाँ से चलने का फैसला किया। और ये भाई यहाँ से निकलने की फुल तैयारी में है और यहाँ से हम निकल चुके थे लेकिन बड़े भाई का मन घूमने से अभी भी नहीं भरा था, तो हम चले गए यहाँ से कहीं और। हम गए नीलकंठ के मंदिर। अभी आपको वहाँ पहुँचने से पहले रास्ते में ये नज़ारा पड़ता है और ये रास्ता दिख रहा है, हम यहाँ से ही आए हैं और यहाँ का व्यू बहुत ज़बरदस्त था। और फाइनली फिर हम अपने डेस्टिनेशन पर पहुँच गए। मैंने बहुत देर गाड़ी चलाई भानगढ़ से लेकर यहाँ तक, तो फिर हमने सोचा कि थोड़ी देर गाने वाने सुनते हैं, रिलैक्स करते हैं और उसके बाद हम जाएंगे। फिर ये है मंदिर और हम इसके अंदर जाएंगे, तो हम चलते हैं फिर आगे। बाहर से देखने में तो मंदिर बहुत ही सुंदर और प्राचीन लग रहा है, क्या देखते हैं कि अंदर से भी ऐसा ही होगा। पर मुझे लग तो रहा है कि फीलिंग पूरी पूरी आ रही है कि मंदिर अंदर से भी बहुत ही अच्छा होने वाला है। और मैंने पहली बार ऐसा मंदिर देखा और ये मंदिर 3000 साल से भी ज़्यादा पुराना है। आपको ये हर जगह लिखा हुआ मिलेगा, आवर हेरिटेज इज़ आवर ग्लोरी। भाइयों, ये है मंदिर की एंट्रेंस और यहाँ से ही अंदर जाने का पहला एक रास्ता है और एक रास्ता पीछे की तरफ भी है। और यहाँ पे ये जो स्तंभ दिख रहे हैं बहुत ही साल पुराने हैं और ये जितने भी पत्थर हैं इन सब पत्थरों की एक उम्र है और हर पत्थर की उम्र उस पत्थर के ऊपर लिखी गई है। इन बोर्डों के पास हर एक पत्थर की उम्र लिखी गई है। मैंने मंदिर को 360 डिग्री में शूट करने की पूरी कोशिश करी थी ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि ये जितने भी स्तंभ हैं इनमें कैसी कारीगरी करी गई है और ये स्तंभ कितने पुराने हैं, इनकी भी उम्र यहाँ पे लिखी गई है। यहाँ पे जितने भी पत्थर जो अंदर यूज़ हुए हैं उन सभी पत्थरों की यहाँ पे उम्र लिखी गई है। और ये मंदिर मैंने भी पहली बार देखा है। ये यहाँ पे पंडित जी बैठे हैं जो यहाँ पे पूरे मंदिर का देखने का काम करते हैं। और आप देख सकते हो कि ऊपर की तरफ भी देखो कितनी अच्छी तराशी की गई है यहाँ पे। और मैंने यहाँ मत्था टेका और चल दिए घर की तरफ। तो भाई इस तरीके से गुजरा हमारा आज का दिन और हम पूरे दिन भर यहाँ पे घूमते रहे। इतनी धूप हो रही थी, डिहाइड्रेशन जैसा भी लग रहा है लेकिन हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, घूमने में मज़ा बहुत आया। हाँ तो भाई हम चलते हैं। ये हमारे भोले बाबा। हर हर महादेव।